अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद मुझे वॉइस ओवर करने का मौका मिला, क्योंकि लास्ट 2 वीक्स से मैंने व्लॉग बना कर रखा हुआ था बट अपलोड करने का ही टाइम नहीं मिल रहा था। सो बेसिकली हम लोग ओरिगा शॉपिंग करने गए हुए थे, लेकिन ओरिगा में इतना ज़्यादा क्राउड था कि कार पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। शायद शादियों का सीज़न चल रहा है इसलिए भी इतना ज़्यादा रश था। और लेकिन ये है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है फैंसी ड्रेसेस वगैरह की और बाकी कैजुअल की भी। सो क्राउड की वजह से मैं ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई बट मुझे जितना पॉसिबल हुआ मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की। सो बेसिकली हम लोगों को गिफ्ट देने के लिए ड्रेसेस चाहिए थे, तो ये बहुत ही कूल और मज़े का था। 8000 में था हमारी अभी की कॉपी और इसके साथ वेस्ट कॉट वगैरह भी थी और काफ़ी मज़े का बना हुआ था। ये 2 पीस था, दुपट्टा और शर्ट थी इसकी, तो और साथ में इसके पैचेस थे, तो ये काफ़ी डिफरेंट और खूबसूरत लग रहा था। ये फ्रंट के कॉर्नर्स का बैच हो जाएगा, फ्रंट के चाकों पे लगेगा। ये आपने कोटी बनानी है, कोटी बना लो, नहीं बनानी आपकी। ये इसकी बैक साइड है, ये इसका बरीजे नेट का दुपट्टा आ जाएगा, सॉफ्ट नेट है, बरीजे नेट है, आम नेट नहीं है। ये इसके दुपट्टे के 4 सेट बैच हो जाएंगे इसके साथ। और ये अंकल थे जिनकी शॉप से हम लोगों ने बाय किया था। मुझे इनकी शॉप का नेम तो नहीं याद बट इनके पास बहुत मज़े मज़े की कलेक्शन थी। हम लोगों को जाना था ट्राउज़र्स वगैरह लेने, ये अलग सीन्स चल रहे हैं कि शर्ट और दुपट्टा मिल जाता है, ट्राउज़र्स वगैरह खुद मैच करने पड़ते हैं। फाइनली ड्रेसेस कंप्लीट हो गए, अब हम लोग आ गए हैं ज्वेलरी बाय करने। ये बहुत ही मज़े का कुंदन का सेट था और काफ़ी अच्छे प्राइस में अवेलेबल था। ये हम लोगों ने बाय किया था अनारकली से और इन अंकल के पास झुमके भी इतने मज़े मज़े के लगे हुए थे। अनारकली में ज्वेलरी की कलेक्शन बहुत मज़े की होती है, जिस भी टाइप की आपको ज्वेलरी चाहिए वहाँ आपको ईजिली मिल जाती है। देन हम लोगों को बैंगल्स बाय करना थी बट अंकल ने हमें फोर्स किया कि आप ये 6 का सेट लें, ज़्यादा मज़े का लगेगा, तो उन्होंने हमें डिस्काउंट करके ये 2000 में दे दिया था। वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस 2800 थी। देन हम लोग को आर्टिफिशियल गजरे चाहिए थे बट यहाँ पर गजरे मज़े के नहीं लगे हुए थे, जिस तरह के हम लोग को चाहिए थे उस टाइप के नहीं मिले। देन हम लोग आ गए टेडी बियर वाली शॉप पे। ये शॉप बहुत मज़े की थी और इसका ऑनलाइन भी पेज बना हुआ, अगर आप लोगों ने चेक करना हुआ तो मैं नेम मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। इनके पास डेकोर और टेडी बियर्स वगैरह हर चीज़ से रिलेटेड इनके पास चीज़ें पड़ी होती हैं। और ये मेहंदी और मायों वगैरह से रिलेटेड हर चीज़ अवेलेबल थी इनके पास। मुझे सिंपल बकेट चाहिए थी जो कि मैंने ख़ुद उनसे सिंपल बनवाई थी, मुझे उस पर कोई भी फ्लावर्स वगैरह नहीं लगवाने थे, जस्ट मुझे नेट लगवानी थी। तो ये है मेरी बकेट जो कि इन लोगों ने मुझे 250 में रेडी कर दी थी। तो बेसिकली मैंने स्वीट्स वगैरह रखने के लिए इसको बनवाया था, तो इस तरह मैंने प्रॉप्स लगाकर इसको अरेंज किया था। देन हम लोग बीचरी पे आ गए क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर के लिए शर्ट बाय करना थी, तो मुझे बीचरी सूटेबल लगा क्योंकि और किसी ब्रांड पर कोई टॉप वगैरह समझ नहीं आ रहा था और उसका साइज़ भी बहुत मुश्किल से मिलता है। सो ये शर्ट थी जो कि मुझे कुछ सूटेबल लग रही थी उसके लिए। देन हम लोग को चाहिए थी इंगेजमेंट रिंग ट्रे जो होती है, तो बाज़ार से कुछ मज़े का नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना खुद को कार्ड लगाकर हम लोग रेडी कर लेते हैं। तो खुद बनाकर काफ़ी मज़े की और डिफरेंट बन गई थी क्योंकि बाज़ार में वही एक चीज़ जो सब लोग यूज़ करते हैं,
तो खुद हम लोगों ने ट्यूटोरियल देख के ये फ्लावर्स बनाए और देन उसको फ्लावर्स वगैरह से रैप कर लिया, थोड़े बीड्स लगा लिए, हैप्पी इंगेजमेंट वाला टैग लगा लिया स्टिक लेकर, और इस तरह से ये हम लोगों की इंगेजमेंट रिंग ट्रे रेडी हो गई थी। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम इसका ट्यूटोरियल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी हमें रीज़नेबल प्राइस में पड़ी थी। और ये डेकोर थी जो कि मैंने खुद की थी, और ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हो जाती है और आपका इस पर कोई इतना एक्सपेंस भी नहीं आता, और ये काफ़ी डिफरेंट भी लगती है। ऑल राइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।